एक्टिव नहीं थी इस वक्त पर, क्योंकि मुझे ना शॉपिंग करनी थी और हम यहाँ से कानपुर जा रहे हैं मामा की लड़की की शादी में, यूपी जा रहे हैं यहाँ से। तो रात के 11 12 बज चुके हैं गाइस, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अपने घर से। और हमें ना मेरी शक्ल पे नहीं जाना पहली बात तो, क्योंकि मैं ना अभी नहा कर आई थी, 12 बजे मैंने नहाया है, नहा कर आई थी, इसलिए मेरी शक्ल ऐसी है। और ड्रायर से मैंने बाल वो कर रखे हैं। एंड इसके बाद हमारी पता नहीं गाड़ी में क्या हो गया था, जिससे हमने सर्विस कराई थी ना गाइस, उसने है ना गाड़ी की बेल्ट ही उल्टी चढ़ा दी। उसके बाद फिर हमें हाईवे पे रुकना पड़ा, सोना हाईवे है जो है उस पे हमें रुकना पड़ा, पलवल वाले हाईवे पे। तो वहां पर फिर मैंने गाड़ी में बैठे बैठे मेरा जी उब रहा था, तो मैं बाहर चली गई टहलने के लिए। तो अब मेरी गाड़ी देख लो, ये हमने गाइस न्यू गाड़ी ली है, तो इसका भी व्लॉग आएगा, आप लोग टेंशन मत लेना। तो अब हम वो चेक कर रहे हैं कि गाड़ी, क्योंकि जब हम चल रहे थे ना तो गाड़ी से कट कट की आवाज आ रही थी, तो हमने देखा खड़े होके, तो हमें पता चला कि जिसने सर्विस की है ना उसने है ना गलत बेल्ट चढ़ा दी गाड़ी की। तो गाड़ी में हम लोग देख रहे हैं कैसे ठीक होगी। फिर हमने सर्विस केयर वाले अंकल को फोन किया रात के 2 बजे करीब, हमने फोन किया। उसके बाद मम्मी भी खाने लगी मेरे साथ, क्रैकर नट हम ला कर दिए। फिर मेरी अलग अलग फरमाइशें आती हैं कि चाय ला कर दो, क्योंकि चाय मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है। तो फिर हम पापा ने चाय बनवाई मेरे लिए। और गाइज रात के ना 4 बज चुके हैं, हम लोग अभी भी पलवल रोड पे हैं, क्योंकि हमारी नई गाड़ी है तो उस पे फास्ट टैग नहीं है, तो फास्ट टैग भी बनवाना इम्पोर्टेंट है। आपको मैं अभी टाइम भी दिखा रही हूँ फोन में, देखना 4 बजे होंगे। चार ये देखो 4 बज गए, 4:10। Amazing. फिर तब तक हमारी चाय भी आ गई, तो मम्मी मेरे हाथों से मम्मी ने चाय छीन ली, क्योंकि है ना कह रही थी गर्म है तेरे हाथ जल जाएगा, तो उन्होंने प्लेट में रख दी। तो फिर अब हम चाय पी रहे हैं आराम से। फिर मम्मी भी बाहर खड़े होकर टहलने लगी, तो मम्मी ने मेरे थोड़ा सा व्लॉग ले लिया, मैं मट्टी के साथ चाय पी रही हूँ, क्योंकि गैस मुझे है ना खाली है ना चाय पसंद नहीं है, उसके साथ कुछ ना कुछ चाहिए। फिर ये दोनों पता नहीं क्या कर रही थी क्या नहीं, इन दोनों का अलग ही चलता रहता है। पीछे बैठी मेरी बहनें हैं, एक तो शिवानी और एक मेरी बड़ी बहन है आयुषी। फिर हम लोग है ना चुपके से है ना बाहर गए, कोल्ड ड्रिंक लेके आए पापा से छुपके, क्योंकि चाय के बाद पेप्सी पीना सही नहीं होता, तो पापा कह रहे क्या लेने गए थे। फिर हम सो गए। उसके बाद सोने के बाद मैं 7:30 बजे उठी हूँ, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ यहाँ का, हम है ना यूपी के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो यहाँ से सीधा हम वहाँ जा रहे हैं अपने दादा के घर हैं। तो दादा के घर जाने से फिर मैंने सोचा आपको बाहर का सीन दिखा दूं, तो बाहर का सीन दिखाने वो है ना हमारे ना वो चढ़ रहे हैं कवर शीशे के ऊपर, तो वो उससे दिखेगा नहीं सही से, मैं आपको दिखा देती हूँ देखो। तो मैंने सोचा सनरूफ खोल कर आप लोगों को दिखा दूं कि बाहर का सीन कैसा लग रहा है। हाईवे पे थे ना हम लोग, एक्सप्रेस पे, लखनऊ एक्सप्रेस पे। तो जब मैं यहाँ से बाहर गई ना गए, तो मेरे तो बाल ही उड़े जा रहे थे, तो मैं नीचे बैठी, मैंने सनरूफ भी बंद करवा दिया, मैं कहा नहीं। फिर हम एक जगह खड़े हुए, जिन अंकल ने हमारी रात में गाड़ी ठीक की थी, फिर हम देखने लगे कि गाड़ी ठीक है कि नहीं। उसके बाद फिर चलते हैं हम, बेल्ट अब भी सही है ना जो गाड़ी की बेल्ट है। तो मैं वो देखने लगे, तो मैं भी पहुंच गई वहां से, क्योंकि मुझसे मुझसे है ना ज्यादा देर गाड़ी में बैठा नहीं जाता, मुझे उल्टी होने लगती है। तो हम वो गाड़ी देख रहे थे। सो फाइनली गाइज हम कानपुर पहुंच गए हैं शादी अटेंड करने के लिए, एंड पूरी रात हो गया है। और बीच में मैंने थोड़ा बहुत गैप ले लिया था, क्योंकि उसकी मैंने वीडियो क्लिप नहीं ली, क्योंकि वो थोड़े घर के फैमिली के काम थे, तो इसलिए मैंने क्लिप नहीं ली। तो अब हम रात में आए हुए हैं लड़की वालों के यहाँ पर, तो हमारे मामा की लड़की की शादी है, तो अब हम वहाँ पर आए हुए हैं एंड थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट होगा। आज मेहंदी है उसकी, मेहंदी रात है, तो मैं भी सोची मैं भी मेहंदी लगवाऊंगी। और वहाँ मुझे बच्चे ऐसे देख रहे हैं, तो वहाँ पर मुझे बच्चे ऐसे देख रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। सो अभी मैं मेहंदी लगवाऊंगी, तो आप लोगों को वो ब्लॉग भी दिखाऊंगी। लिया होगा कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी, एंड मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, क्योंकि पूरा दिन सफ़र कर करके आप लोगों को व्लॉग में देख ही दिया होगा, पूरा दिन चलना फिरना।
तो मुझे नींद आ रही है, तो मैंने मेहंदी लगवाना कैंसिल कर दिया है। इसलिए अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। एंड कल आपको शादी का ब्लॉग भी बना कर दूँगी, एंड वो भी आप लोग देखेंगे। थैंक यू।